हेलो मॉमीज़, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह में आप अपने दूसरे तिमाही में होते हैं। इस सप्ताह के बाद आपका पांचवा महीना भी खत्म हो जाएगा और आप छठे महीने में प्रवेश कर लेंगी। इस सप्ताह से आप अपने शिशु की हलचल पहले से ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में बच्चे का विकास कहाँ तक पहुँचा है। इस सप्ताह के अंत तक शिशु 10 इंचेस तक लंबा हो चुका होता है और इसका वजन लगभग 300 ग्राम तक होता है। शिशु का आकार लगभग एक बड़े गाजर के जितना है। शिशु के आईलैशेस, आईब्रोज, नेल्स अभी विकसित हो रहे होंगे। आपके गर्भ में आपके शिशु की हलचल अभी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। आप जो खाती होंगी उसका स्वाद भी अभी शिशु अनुभव कर सकता है। इसके अलावा शिशु के डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अब अच्छे से काम करने लगे होंगे। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में आपके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। कभी कभी चलते हुए आपको अपना संतुलन गड़बड़ाने की समस्या अभी हो सकती है। इसकी पहली वजह तो आपका बढ़ता हुआ वजन और बढ़ता हुआ गर्भाशय है और दूसरी वजह प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स है जो आपके हड्डियों के जोड़ों को ढीला कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी आप अपना संतुलन बिगड़ता हुआ महसूस कर सकती हैं। आप अभी दीवार से कभी टकरा जाती होंगी या कभी अचानक से पोजीशन बदलने से आपको चक्कर आ जाता होगा, इसलिए अपना ख्याल रखें और थोड़ा संभल कर चलें। बढ़ते पेट की वजह से गर्भावस्था में आपको नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। आने वाले सप्ताह में ये परेशानी और अधिक बढ़ने वाली है, जो कि आपके शिशु के जन्म के बाद ही ठीक होगी, इसलिए आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। आप तो बस बढ़ते हुए पेट के साथ सोने की कोशिश करें और अच्छी नींद के लिए जितनी जरूरत हो उतने तकिए का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो मैटरनिटी पिलो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान एक और समस्या आपको परेशान कर सकती है, जो है वेरिकोज वेन्स। खासकर ये तकलीफ दूसरे और तीसरे तिमाही में होती है। आमतौर पर ये पैर, ब्रेस्ट या शरीर के किसी भी भाग में दिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए, लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक आप वेरिकोज वेन्स से होने वाले सूजन और दर्द को कम कर सकती हैं। इससे निजात पाने के लिए आप मैटरनिटी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहन सकती हैं, जो आसानी से आपको ऑनलाइन या किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आइए अब हम जानते हैं इस हफ्ते में आपको अपनी क्या केयर करनी चाहिए। अभी सफेद पानी आने की समस्या भी अधिक रहती है और अभी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए आपको अपने अंडरवेयर को समय समय पर बदलते रहना है और कोशिश करें कि आप सूती के और हल्के ढीले अंडरवेयर का इस्तेमाल ही करें। अभी आपको ऊंचे हील वाले सैंडल की जगह फ्लैट चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको चक्कर आना, अचानक से बैलेंस गड़बड़ा जाना, पैरों में दर्द और सूजन या कमर या पीठ में दर्द जैसी परेशानियों से राहत मिल सकती है। अभी आपको पिगमेंटेशन के कारण आपकी त्वचा थोड़ी काली दिख सकती है, ऐसे में आपको अपने स्किन का पहले से अधिक ख्याल रखना है। कोई अच्छा सा माइल्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना है और कड़े साबुन के प्रयोग से परहेज करना है। इसके अलावा अभी आपका शिशु आपकी आवाज बहुत अच्छे से पहचान सकता है, इसलिए आप अब अपने शिशु से बात करना शुरू कर सकती हैं। अभी आप अपने और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के बीच एक अनोखा सा कनेक्शन महसूस करेंगी। अभी आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए। इन सारे चीजों पर आपका शिशु आपको प्रतिक्रिया भी दे सकता है। अभी आपको अपने आहार में खजूर, पनीर, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वैसे फल, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां और सलाद जरूर से शामिल करना है। आइए अब हम बात करते हैं इस हफ्ते में आपको क्या नहीं करना है। आप अपने पैर पर पैर चढ़ाकर लंबे समय तक ना बैठें। अधिक
अधिक देर तक खड़े होकर या झुककर कोई काम ना करें। किसी काम को करने में यदि आपको कठिनाई आ रही हो तो उसे जबरदस्ती खुद से करने की कोशिश ना करें। किसी से मदद मांगें और इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाएं। कोशिश करें कि अपने पैरों पर कम से कम भार दें, इससे आपके वेरिकोज वेन्स की समस्या थोड़ी कम होगी और साथ ही पैरों में सूजन और पीठ दर्द जैसी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अभी आपको दिन भर में पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और बार बार यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना है। आपको यूरिन को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, इससे आपको यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है। और बार बार अगर आप यूरिन पास करने के लिए जाती हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर अभी तक आपने अपने पीठ या पेट के बल सोने की आदत नहीं बदली है तो अब ये आदत आपको जरूर से बदल लेनी चाहिए। आपको अभी से शिशु के जन्म होने तक करवट लेकर ही सोना है। आप दाएं या बाएं किसी भी करवट में अपने आराम के हिसाब से सो सकती हैं। अच्छी नींद के लिए आप पैरों के नीचे, पेट के नीचे अतिरिक्त तकिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, या आप आसानी से उपलब्ध मैटरनिटी पिलो का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में बाई करवट लेकर सोने से शिशु की तरफ जाने वाला रक्त प्रवाह बढ़ता है और शिशु के विकास में भी मदद मिलती है। इसके अलावा जितना हो सके आप आराम करिए, खुश रहिए। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्योंकि हो सकता है आपके तनाव में रहने से आपका शिशु भी तनावग्रस्त हो जाए। तो ये वीडियो थी प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।